शहर के सुप्रसिद्ध बीएमशाह मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने एक बार पुनः अपने सामाजिक सरोकार का प्रमाण देते हुए अपने अस्पताल परिसर में शहरवासियों के लिए निःशुल्क लीवर जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर इसका लाभ उठाया। दुर्ग जिले में भिलाई शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान बीएमशाह अस्पताल वक्त वक्त पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाता रहता है। इसी कड़ी में जहां एक ओर शहर व प्रदेश की जनता कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए परेशान है, जिसकी वजह से वह अन्य बीमारियों के लिए भी अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहीं इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बीएमशाह अस्पताल ने एक बार पुनः अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अस्पताल परिसर में ही निःशुल्क लीवर जाँच शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन के माध्यम से शहरवासियों को इस जाँच में लगने वाले बड़े खर्च से निजात दिलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस जांच का खर्च अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से देखा जाता है और वह भी हजारों में होता है, परंतु अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यह जांच निःशुल्क कराया गया था। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपना लीवर जांच कराया। आगे जांच की रिपोर्ट आने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उचित मार्गदर्शन देकर उसका उपचार भी रियायती दरों पर करने की तैयारी है। इसकी जानकारी बीएमशाह अस्पताल के लेप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल सिंह ने न्यूज टीम को दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट बीएमशाह हॉस्पिटल से हूँ। मैं आज लीवर फैटी लीवर के लिए कैंप करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इसलिए ये कराना है क्योंकि आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग बाहर घूमते हैं, बहुत ऐसा तेली चीज़ें, तेली पदार्थ की चीज़ें, क्या तेल यूज़ हो रहा है, क्या डालडा यूज़ हो रहा है, वो सब नहीं देखते हुए तला हुआ खाना पसंद करते हैं। जैसे ठंड का मौसम है तो लोग तली हुई चीज़ें की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और वो खाते हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है। लीवर में वसा का, चर्बी का जमा होता है, जिसके कारण लीवर बढ़ जाता है और उसके कारण अन्य प्रकार की लीवर की बीमारियां होती हैं। तो इस वजह से हमने ये कैंप यहां पे रखा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमने प्रॉपर जो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की, हर जाँच के बाद बेल्ट जो होता है उसके सैनिटाइजेशन की, हर तरह की व्यवस्था करते हुए हमने जाँच को, इस कैंप को रखा हुआ है। इस कैंप में बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा गरीब से गरीब मरीज को हम चाहते हैं कि वो लाभ प्राप्त करें और उनका ये जांच निशुल्क हो सके, इसलिए हमने ये कैंप रखा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो टेस्ट है, कई ऐसी ऐसी जो संस्थान है जहाँ पे ये टेस्ट, कई टेस्ट 5,000 में होता है, कई 6,000 में होता है, इवन मैंने ये देखे कि 15,000 तक भी इसका शुल्क लिया गया है। कई मरीज जो हमको आगे बताते कि सर हमने रायपुर में या नागपुर में या बड़ी बड़ी जगह हैदराबाद से 15,000 में भी ये टेस्ट करा के आते हैं, जिसको हमने निःशुल्क मुहैया कराया है अपने अस्पताल में आज इस कैंप के द्वारा। और लोगों को मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी तीसरी लहर फैली हुई है कोरोना की, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना मास्क पूरी तरीके से जैसा कि नाक के ऊपर पहनना चाहिए वैसा पहने, और साथ ही साथ अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें बार बार। घर में कहीं से भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हाथ धोएं, अपने कपड़े को सेपरेट कर दें, जो भी आपने उस दिन कपड़े पहने उसको अलग कर दें, धोने में डाल दें, और अपने बीवी बच्चों से मिलने से पहले प्रॉपर स्नान ले लें। और इसी के साथ मैं आप सभी को नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज के दौर में ज्यादातर लोग बाहर के फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तैली होता है, जिसकी वजह से इसका असर सीधे लीवर पर पड़ता है और लीवर के असंतुलित होने से सबसे ज़्यादा बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। इसलिए यह ज़रूरी भी है कि लीवर की जांच वक्त वक्त पर होती रहे, जिससे व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न होने वाले रोगों को वृहद रूप लेने से पहले खत्म कर सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।